हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज के कितने टाइप्स होते हैं? सेक्रेटरीज के होते हैं दो टाइप्स। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और एक होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब ये पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन होता है, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में होते हैं चार टाइप के सेक्रेटरी। एक होता है सेक्रेटरी ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एक होता है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक होता है सेक्रेटरी ऑफ जनरल स्टॉक कंपनी, और होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहले हम एक काम करते हैं, समझते हैं कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन। पर्सनल सेक्रेटरी मीन्स जो भी पर्सनली किसी भी पर्सन को अपॉइंट करता है, इंडिविजुअल पर्सन। जो बिजी पर्सन होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब सेक्रेटरी का मीनिंग हमने पढ़ा था, जो बिजी पर्सन होते हैं उस टाइम पे हमने इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस किया था। बिजी पर्सन कौन? जो बिजनेसमैन है, या कोई बड़ा डॉक्टर्स है, या फिर लॉयर्स है, या फिर और भी कोई पर्सन है, जो बिजी पर्सन है, जो, या फिर हम बात करें सेलिब्रिटीज लोग की, या फिर हीरो की बात करें, या जो हीरो या हीरोइन उन लोगों की बात करें, तो ये क्या है, ये लोग बहुत बिजी पर्सन होते हैं। तो इनके जो रूटीन के काम होते हैं, डेली जो काम होते हैं, वो काम कौन करता है? वो काम करता है इनका सेक्रेटरी। जो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन किसी पर्सन को अपॉइंट करता है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, या फिर कोई भी बिजी पर्सन जो भी है, उसमें कोई भी हो सकता है, बड़ा एक बिजनेसमैन है जो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है। तो ये जो सेक्रेटरी है, ये होता है पर्सनल सेक्रेटरी। कौन होता है ये? पर्सनल सेक्रेटरी। जो बिजी पर्सन इनको अपॉइंट करते हैं, जैसे कोई भी बिजी पर्सन हो, जैसे कि कोई एक क्रिकेटर है, कोई सेलिब्रिटी है, जैसे कि मैंने आप पहले भी बोला था, वापस मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ। तो ये लोग जो अपॉइंट कर रहे हैं वो होता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी। कौन होता है वो? उसका पर्सनल सेक्रेटरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की, तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन होगा? उससे पहले हमने इसके सारे चीजें समझ भी लिए, इसको हमने देख लिया, इसको जान लिया कि कौन है। जो इंडिविजुअल, तब उसके जितने भी काम होंगे, जो सारा काम होगा, बैंक से रिलेटेड काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हो, मीटिंग्स को कंडक्ट करने से रिलेटेड का काम हो, किसी से अपॉइंटमेंट लेने का काम हो, या किसी को अपॉइंटमेंट देने का काम हो, वो सारा का सारा काम कौन करेगा? अब उस पर्सन का काम, उस बिजी पर्सन का काम सेक्रेटरी के पास में हो जाता है, और इसे उसका पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है। और इसके पास उसका जो एम्प्लॉयर है, जिसने उसे अपॉइंट किया है, सेक्रेटरी को जिसने अपॉइंट किया है, उसकी सारी पर्सनल डिटेल इसके पास क्या होती है अवेलेबल। उसके अकाउंट्स डिटेल हो, उसके कार्ड्स की डिटेल्स हो, या फिर जो कुछ भी उसकी पर्सनल डिटेल है, वो सारी के सारी पर्सनल सेक्रेटरी के पास होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी की। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, एसोसिएशन के अंदर में, कंपनीज के अंदर में भी क्या किया जाता है? सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। तो वो जो सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, तो जैसे कि हमने सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा पहले जाना है कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है। सेक्रेटरी एक करेस्पॉन्डेंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सारे चीज़ों को कंडक्ट करता है, मीटिंग्स को कंडक्ट करने का काम करता है, अपना जो एम्प्लॉयर है उससे अपॉइंटमेंट लेने का काम करता है, अपॉइंटमेंट देने का काम करता है, ये सारे काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। तो ऐसा ही चीज है कि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को क्या करता है? अपॉइंट करता है। उसके अंदर में हम बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, एक टाइप का फॉर्म है, एसोसिएशन है, जहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मकसद समाज में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, सोशल वर्क करना होता है। तो इनके कुछ क्लब्स होते हैं, जैसे कि आपका कुछ चीज़ों की जो समाज में कल्चरल लेवल पर या स्पोर्ट्स लेवल पर, अलग अलग लेवल पर क्या करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सेक्रेटरी होता है, तो उसी सेक्रेटरी को हम कहते हैं
सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जो जिनका मकसद जो स्पेशली समाज के अंदर में समाज को सर्विसेज प्रोवाइड, सोशल वेलफेयर के लिए जो क्या किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए इनका नाम ही है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो ये हो गया हमारे सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसी तरीके से अलग अलग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, इन सोसाइटीज के अंदर में भी सेक्रेटरी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो वहां पर जब सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, जहाँ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है उस जगह पर सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को, उस इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी कहते हैं। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जिसे आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली और क्या होता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज के अंदर में आती है, तो ऐसी कंपनीज का जो मैनेजमेंट होता है, जो देखरेख होती है, वो किसके अंदर में होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंदर में होती है। और मैनेजिंग डायरेक्टर्स डे टू डे की एक्टिविटीज को देखते नहीं है, वो मैनेज नहीं करते हैं, मतलब वो उनका काम होता है आना, मीटिंग करना, मीटिंग में डिस्कशन करना, उसके बाद जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ या होने के बाद उसके बाद का जो काम होता है, वो काम करता है कौन, कंपनी का सेक्रेटरी। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, उनका काम वही है करस्पॉन्डेंस का मैनेजमेंट करना, डे टू डे एक्टिविटीज को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस को देखना। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज जिस सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, तो उस सेक्रेटरी को कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर में क्या होते हैं, काम करते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक स्टेट की बात करें या फिर हम सेंट्रल की बात करें, स्टेट में भी हम देखें तो वहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं। और सेंट्रल लेवल पे भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी क्या होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो मिनिस्टर के अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारे मिनिस्टर। और उन मिनिस्टर के अंडर में जो काम करता है एज अ सेक्रेटरी, वो होता है उनके डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट और सॉरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। कौन होता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। तो वो सारे काम काज जो सेक्रेटरी है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम, लॉफुल काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को देखने का काम कौन करता है, वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी करता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें था एक पर्सनल सेक्रेटरी और था एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इनके फीचर्स हमने पढ़े हैं, इनके इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़े, उसमें हमने कुछ चीजों को पढ़ा था, तो मैं उन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ये टॉपिक क्या किया, कवर करने की कोशिश किया। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी, इन शॉर्टकट में फ्रीजर्स में बात होते हैं, जो भी बिजी पर्सन है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, या फिर कोई क्रिकेटर है या कोई सेलिब्रिटी है, वो लोग जब किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो वो हो जाते हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी, वो सारी डिटेल उनके पास उनकी होती है। उसके बाद में जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ संस्थाएं होती है, उसमें कुछ संस्थाएं होती है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जिनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता है, जिनको समाज में सर्विसेज प्रोवाइड करना, अलग अलग टाइप के जो क्लब्स होते हैं, सोशल क्लब होते हैं या कल्चरल क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स के क्लब होते हैं, तो वो सारी चीजें आती है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में, उनके सेक्रेटरी को हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी,
इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोड्यूसर है, एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव, तो उन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के इंस्टीट्यूशंस के जो सेक्रेटरीज होते हैं उसको बोलते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरी। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं जिनका काम जिनका मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, लेकिन डायरेक्टर्स को सारी चीजों को डे टू डे की एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करते, वो मैनेज करने का काम किसके अंडर में आ जाता है, सेक्रेटरी के अंडर में आ जाता है। और लास्ट में हमारा टॉपिक था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे स्टेट लेवल की बात करें या फिर सेंट्रल लेवल की बात करें तो दोनों लेवल पे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे चुने गए नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं, और वो मिनिस्टर के अंडर में जो डिपार्टमेंट आता है उस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज होते हैं उन सेक्रेटरीज को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ये जो तीन टाइप आपने जो ये दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी देखे हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जस्ट अगर कोई भी बंदा ग्रेजुएशन पास है और इसके अंदर में जो होने वाली एक्टिविटीज है उसके बारे में अगर उसको नॉलेज है तो यहाँ पर वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज अ सेक्रेटरी उसको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में किसी भी ग्रेजुएट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर एक स्पेसिफिक उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पर जस्ट नॉर्मल उसके पास नॉलेज है, स्किल है और उसके साथ साथ थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं चलेगा, यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके पास में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना उसके पास क्या है, जरूरी है। इसलिए वहां पे कुछ ऑर्गेनाइज कुछ एग्जाम्स पास कर लिए, जैसे कि एक होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्या होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब ICSI, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम को क्या करना होगा, मैं पास करना होगा, उसके बाद हम कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बन सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी स्पेसिफिक एजुकेशन का होना जरूरी है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होके यहाँ पे हम अपॉइंट नहीं हो सकते या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट की जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं MPSC वगैरह UPSC के, जिसके अंदर में यहाँ पे उनको एग्जाम्स को क्या करना होगा, पास करना होता है, उसी के साथ में इनको IAS इस एग्जाम को भी क्या करना होता है, पास करना होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, यह है इसका। तो यहाँ पे ये दो ऑर्गेनाइजेशंस में ये दो इंस्टीट्यूट के अंदर में क्या चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन ग्रेजुएशन हो गया इनफ है, और उसके साथ साथ उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। थैंक यू।